हेलो क्लास सेकेंड, कैसे हैं आप लोग बच्चों? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को क्लास सेकेंड में पार्ट तीन सीख का अर्थ होता है बच्चों शिक्षा, यानी हम किसी चीज से जब कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं सीख। तो यह पार्ट जो है सीख नामक पार्ट महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित है कि महात्मा बुद्ध ने कैसे ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने कैसे गिलहरी से सीख ली और अंततः उन्होंने तपस्या में सफलता प्राप्त की, उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ और इस तरह सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम सुद्योधन था और उनकी माता का नाम माया देवी था और उनका विवाह राजकन्या यशोदरा के साथ हुआ था। उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। तो इस तरह बचपन से उन्हें जो है सांसारिक वो माया के प्रति विरक्ति थी और इस तरह उन्होंने ज्ञान की खोज के लिए वह साधना समर में उतरे, यानी तपस्या के युद्ध में, और इस तरह कठिन तपस्या करते हुए जब उन्हें सफलता तपस्या में सफलता नहीं मिली तो वह हार मानकर घर वापस लौटने लगे। जब वह घर वापस लौट रहे थे तभी थकान के कारण उन्हें विश्राम करने का मन हुआ और वह एक ठंडे पानी के झील के किनारे विश्राम करने के लिए बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक गिलहरी झील में बार बार जाकर डुबकी लगाती और रेत पर आकर लुढ़कती। उन्होंने गिलहरी से पूछा, ये नन्ही गिलहरी तुम यहाँ क्या कर रही हो? गिलहरी ने कहा कि इस झील ने मेरे बच्चों को खा लिया है और मैं इसे पूरा समाप्त करने का निश्चय कर चुकी हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा कि गिलहरी क्या तुम्हारे इस कार्य से असंभव है? गिलहरी ने कहा कि जब तक मेरा जीवन है मुझे यह उम्मीद है कि मैं अपने इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। यहीं से महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से शिक्षा ली कि हमें जो है हार किसी भी कार्य को हार मानकर बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन से कठिन बाधाएं आने पर काम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए और पूरी लगन के साथ अपने काम को करना चाहिए और सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। महात्मा बुद्ध पुनः यानी दोबारा जंगल की ओर चले गए और फिर कठिन साधना की और उन्हें अंत में ईश्वर का दर्शन हुआ और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और महात्मा बुद्ध और जो सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध कहे जाने लगे। यानी जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा और इस तरह ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो इस तरह बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध है और उन्होंने जो है लोगों को ज्ञान दिया और इस तरह ये उनके जीवन से संबंधित बातें हैं। आइए बच्चों आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं। आज मैं आप लोगों को इस पाठ के से संबंधित कुछ प्रश्न लिखवा रही हूँ जिससे कि आप लोगों को महात्मा बुद्ध के विषय में और अधिक जानकारी होगी। आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड देखते हैं। प्रश्न पहला है, महात्मा बुद्ध कौन थे? उत्तर है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक तथा महान व्यक्ति थे। प्रश्न दूसरा है, बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न तीसरा है, बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? तीसरा उत्तर है, बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन तथा माता का नाम माया देवी था। प्रश्न चौथा है, बुद्ध का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर है, बुद्ध का विवाह राजकन्या यशोधरा के साथ हुआ था। तो बच्चों ये चार प्रश्न उत्तर आपका क्लास वर्क है। बच्चों उम्मीद करती हूँ आप लोग क्लास वर्क खूब मन लगाकर पढ़ेंगे, याद करेंगे और साफ और सुंदर अपने कॉपी में लिखेंगे। आइए बच्चों आपका गृह कार्ड देखते हैं। गृह कार्ड भी आप लोगों का प्रश्न उत्तर ही है। प्रश्न पहला है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? जैसा कि मैंने बताया ना कि ज्ञान प्राप्ति
के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर है, बच्चों ध्यान रखिएगा। प्रश्न दूसरा है, साधना में सफलता न मिलने पर कौन घर वापस लौटने लगा? कौन लौटने लगा? महात्मा बुद्ध। आप लिखेंगे, साधना में सफलता न मिलने पर महात्मा बुद्ध घर वापस लौटने लगे। लगा की जगह लगे लिखेंगे, क्योंकि सामान्य शब्दों का प्रयोग हमेशा उत्तर में किया जाता है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आज मैंने जो भी कुछ पढ़ाया, समझाया, लिखाया, आप लोगों ने उस पर गौर किया होगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। इसके साथ ही बच्चों फिर मिलेंगे। थैंक यू।